जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के जागरूकता रथ को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की गई है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं यथा वर्षा, तापमान, हवा के कारण किसी भी तरह फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। साथ ही विशेषकर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना भी इस योजना का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि किसान इस योजना का अवश्य लाभ उठाएं। इस योजना को किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जागरूकता रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है, जो सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ किसानों की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इस जागरूकता रथ के पीछे मंशा ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, लोग बीमा से अपनी फसलों को आच्छादित कराएं। जैसे अब इस समय की फसलों में हम देखें तो हमारा जो गेहूं है, सरसों, लाही और आलू, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित है। और किसी कारण से अगर फसल में खराब होती है हमारी फसल, तो कम से कम किसान को नुकसान नहीं होता है। अभी भी चूँकि जनपद में बहुत ज़्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ लें, और जिससे किसी अप्रिय स्थिति को आने पर उस पर किसानों को ज़्यादा नुकसान का सामना न करना पड़े। और ये प्रचार वाहन एक एक गाँव में जाएगा, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगा, लोगों को इससे संबंधित आईसी मटेरियल्स जो है वो भी दिए जाएंगे, जिससे लोग इसका लाभ उठा करके आने वाले समय में अपनी खुशहाली को बरकरार रख सकते। जनपद के कृषकों से, किसानों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अब मेरी अपील यही है कि वो जो अब आगामी फसल है गेहूँ, सरसों, लाही और आलू, उसका अधिक से अधिक बीमा कराएं, जिससे अगर किसी तरह कारण से मौसम साथ नहीं देता है या कोई अन्य आपदा आती है तो उसमें किसानों को नुकसान न हो।